फ्रेंड्स को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 3 का ईवीएस डिस्कस करेंगे। ईवीएस में है उन लोग का चैप्टर नंबर 14 सेल्टर ऑफ मेनी काइंड से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सेकंड टर्मिनल के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें मैंने ये 5 पेजेस का चैप्टर है, तो चैप्टर सॉरी पेज नंबर 1 मैंने सिर्फ मार्क किया है, जैसे थिंग्स, रिलैक्स, सेल्टर, डिटेल, स्टॉर्मी, हार्मफुल, इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स, थीप्स, रॉबर्स, वैल्यूएबल, हाउस होल्ड, ज्वेलरी, एप्लीएंसेस, कंफर्टेबल, पॉसिबल, परमानेंट, सिंपल, स्टार्टेड, डिफरेंट, लेटर, ब्रिक स्टोन, सीमेंट, कॉल, पक्का हाउसेस, मोस्टली कच्चा हाउसेस, कॉटेज, यूजुअली लीव्स, एपस्टोन्स, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्लास ये सारे जो स्पेलिंग्स मैंने यहाँ बताया आपको, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है, तो वो आप उनको करवा सकते हैं जिससे कि उन लोग का स्पेलिंग अच्छा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन के अंदर में आप लोगों को कुछ जनरल चीज़ें हैं जो बच्चों को करानी चाहिए, जिसमें है रीडिंग और स्पेलिंग लर्न। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों पिलर्स हैं, जैसे एक घर के लिए एक पिलर होते हैं बिल्कुल उस तरीके से। और इसके लिए पेरेंट्स को बार बार घर में कराना है। जैसे मैथ्स के लिए टेबल्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट इन वर्ड, राइट इन फिगर आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही रीडिंग के लिए अगर लर्निंग करवाना है तो रीडिंग तो मस्ट है ना। जब तक रीडिंग नहीं आएगी कोई लर्निंग नहीं कर सकता है। तो ये जानने के लिए बार बार मैं कहती हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको स्पेलिंग पे बहुत फोकस करवाना है बच्चों को। जैसे अमाउंट है स्पेंड, ओनर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, स्नेक, इंसेक्ट्स, देमसेल्फ, स्टैंडिंग, आप इस तरीके से प्लीज़ सारे स्पेलिंग मार्क कर लीजिएगा। यहाँ न्यू वर्ड्स में है टेम्पररी हाउसेस, मीनिंग्स दिया परमानेंट हाउसेस, इससे वन वर्ड आंसर आता है, पेस्ट एंड विंड। एक्सरसाइज मैंने कुछ करके यहाँ पे रखा हुआ है। अ हाउस इज अ काइंड ऑफ, तो शेल्टर होगा। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सीमेंट इज कॉल्ड कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस, कॉटेज, पक्का हाउसेस। डेजर्ट यूजुअली बिल्ड विथ स्टोर, रोप एंड वुड, तो ये होगा आपको लॉग हट्स। पीपल लिव इन अ डैश, फ्लोट्स ऑन वाटर, हाउस बोट। फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, अ कच्चा हाउस कैन बी ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाउसेज ऑन माउंटेन्स हैव स्लोपिंग रूफ्स फॉर स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली, इन प्लेसेज वेयर इट्स रेन अ लॉट ऑफ पीपल हैव हाउसेज मेड ऑन स्टिल्स, रैट्स एंड लिजर्ड आर पेस्ट्स, पीपल बिलीव दैट वाइंड चेम्स ब्रिंग गुड लक। नाउ मैच द फॉलोइंग, अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रो, मड एंड लीव्स, नंबर 1 कच्चा हाउसेस। आप ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा अनटाइडी कर देते हैं बच्चे, तो थोड़ा सीनियर क्लासेस होने से आप नंबरिंग सेव कर सकते हैं। अ हाउस ऑन व्हील्स, कारवा, हाउस ऑन बोट, हाउस बोट, अ हाउस ऑफ बैम्बू पिलर्स, नंबर 4 इज ट्रिल्स्ड हाउस, एंड नंबर 5 द हाउस मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड सीमेंट, पक्का हाउसेस ऑल्सो। नाउ टिक और क्रॉस ईच स्टेटमेंट, पीपल मेक हाउसेज और प्रोटेक्ट देमसेल्फ रेन एंड स्नो, स्नो ओनली, राइट, अ पक्का हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, स्टील एंड ब्रिक्स, राइट, कारवा टेंट्स एंड हाउस बोर्ड्स आर कॉल्ड परमानेंट हाउस, रॉन्ग, टेम्पररी हाउसेज दे आर, बंगलो एंड अपार्टमेंट आर टेम्पररी हाउसेज, रॉन्ग, पीपल डेकोरेट देयर होम्स टू मेक देम लुक नाइस एंड वॉर्म, राइट। उन लोगों का फिर एक नेक्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू क्लास कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने शेल्टर वाला वो पढ़ा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते ही हो पहले से उन लोगों का, जैसे स्टडी लेवल आपने देखा है या फिर सिलेबस देखा है। तो इसमें भी मैंने एक पेज जैसे मार्क किया है, कम्युनिकेशन means writing, talking, someone, thoughts, exchanging, talking, writing, communicate. Communicate and communication is two another words. Cannot speak through, understand, language, exercise, sorry, experience, sign language, dumb, codes, performance, without, without उसको explain करिएगा कि ये two words with and out को मिला के होता है। without का एक अलग separate meaning होता है। letting, एक्सप्रेस, देमसेल्फ, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, दीज आर ऑल्सो लैंग्वेज नेम, मद्रास, कॉल्ड, पर्टिकुलर। तो ऐसे आप, मैंने एक पेज करके आपको बताया, पर्टिकुलर थिएटर, कॉल्ड, यूजुअली, हाईलाइट,
फिर है एक्सप्रेशन, तो वहाँ हो गया था। यहाँ देखिए कम्युनिकेशन का वन लाइन एक डेफिनेशन दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, उसको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। वी कम्युनिकेट विथ अदर थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो पैरा है पूरा, ये पूरा उन लोगों को लर्न करना है। टुडे वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर्स बाई राइटिंग अ लेटर, स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, सेंडिंग SMS और बाई सेंडिंग ईमेल्स थ्रू द इंटरनेट। ऑल दीज मेथड ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मीन्स एंड कम्युनिकेशन में ये सारे जो नाम दिए हुए हैं, जैसे पोस्टल कम्युनिकेट, अलग अलग देखिए टेलीफोन कम्युनिकेशंस, फैक्स मशीन, कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर्स, मास कम्युनिकेशंस में फिर डिवीज़न अलग अलग किया हुआ है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट ऑल्सो। तो ये पार्ट्स आप उसको बताइएगा और इसके बारे में आपने जस्ट ओरली थोड़ा डिक्टेट कर देना है, उनके माइंड में वो सेट हो जाएगा। या न्यू वर्ड्स में है लैंग्वेज, पोस्ट, मास कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सारे उन लोगों को लर्न बाई हार्ट करने हैं, बिकॉज उन लोग का क्लास 3 का जो क्वेश्चन आंसर आता है तो ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, टिक द करेक्ट ऑप्शन में राइट ऑप्शन सिर्फ बता दी जा रही। इन द अर्ली टाइम्स पीपल ऑफ मैसेज थ्रो पिजन्स, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरलेस इंस्ट्रूमेंट सेलुलर फोन, बिच ऑफ दिस वुड बी यूज टू सेंड इंस्टेंट मैसेज टू योर फ्रेंड इन द USA, ईमेल कैन बी सेंड थ्रू अ कंप्यूटर, विच ऑफ दिस अ चीप एंड कॉमन मीन्स एंड कम्युनिकेशन, चीप मीन्स लेटर। इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू कन्फ्यूज बिकॉज मोबाइल फ़ोन इज ऑल्सो चीप, बट आई थिंक सो कि लेटर इज करेक्ट। विच ऑफ दिस इज मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशंस, बोथ ऑफ दिस, न्यूज़पेपर एंड टेलीफोन ऑल्सो। न्यूज़पेपर कम्युनिकेशंस इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ईमेल इज अ रिटन वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द मैसेज, बी यूज एन पोस्टल वेन वी हैव टू सेंड अ लेटर आउटसाइड द कंट्री, ईमेल आर सेंड थ्रू अ कंप्यूटर। नाउ टिक और क्रॉस, पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक यूज साइन लैंग्वेज, रॉन्ग, पीपल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑन 1-to-1 बेसिस, करेक्ट, वी यूज अ टेलीफोन इंस्टॉनली कम्युनिकेट विथ पीपल, करेक्ट, अ मोबाइल फोन कैन बी यूज वाइल ट्रेवलिंग, करेक्ट। नंबर 5, वी कैन यूज़ फैक्स फॉर सेंडिंग एन ओरल मैसेज, करेक्ट, ईमेल हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिग सिटीज़, करेक्ट, मैच, रेडियो कैन हियर ओनली, टेलीविज़न कैन हियर एंड सी बोथ। आपको इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया है कई वीडियो में, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका बच्चा इंटरेस्ट लेके करे आप वैसे करिए। कंप्यूटर, ईमेल्स, स्टैम्प, पोस्टल कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन कम्युनिकेशंस। बस आप लोगों को ऐसे कराना है। 2 चैप्टर आज हो गया, EVS का अभी हम लोगों ने कंटेंट्स डाला है, तो कंटिन्यू क्लासेस में EVS ही है। आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।